हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये वाइट साड़ी पहनी हूँ जो कि नेट की है, और ये ब्लाउज़। तो मेरा आज मूड बहुत अच्छा था, तो मैं चलो आज मेकअप करती हूँ। तो शुरू से दिखाती हूँ कि मैंने फेस क्लीन करने के बाद कैसे मेकअप किया। उसके बाद मैंने फेस क्लीन करने के बाद मैंने मामा अर्थ का मॉइस्चराइज़र लगाया है, और देखो ये मेरे स्किन टाइप के लिए है। और TS का लिप बाम लगाया, फिर सनस्क्रीन लगाया है। अलना सनस्क्रीन है ये, अलना केयर का। आप में से बहुत तो पूछते हो क्या ये सनस्क्रीन अच्छा है। हाँ, ये बहुत अच्छा ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। उसके बाद मैंने रोमाना का हाइलाइटर लिक्विड लगाया है, जो कि प्राइमर की तरह मेरे फेस को ग्लो देगा। बहुत अच्छा है ये, और ये मुझे वाकई में आप चेहरा देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो करता है, और ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग भी है। उसके बाद मैंने फिटमी का फाउंडेशन यूज़ किया इन द शेड 330, जो कि बिल्कुल मेरे शेड का है। अगर आप लोग में से कोई भी विक्टिस स्किन टोन के हो मेरी तरह, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर लो। अगर आपकी स्किन का कलर से मैच होता तो डेफिनेटली मैच करेगा। इसमें बहुत अच्छा क्वालिटी रहता है। इस फाउंडेशन का एक खास बात है कि ये बहुत अच्छा है। आप इसको फुल कवरेज में भी यूज़ कर सकते हो, पार्टी मेकअप के लिए, या फिर लाइट में डेली में भी यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है और बहुत लंबे टाइम तक टिका रहता है। उसके बाद मैंने ओलिविया का पेन स्टिक लिया है इन द शेड 2 नेचुरल, जो कि कंसीलिंग करने के लिए, ताकि आपका फेस का हाइलाइटेड एरिया हाईलाइट हो। बहुत अच्छा से वर्क करता है, क्योंकि मेरा स्किन टोन जिस तरह का है ना, उसमें ये हाइलाइटर कंसीलर की तरह काम करेगा। तो ये करेक्शन वगैरह में नहीं काम करता है अगर मेरे स्किन टोन पे हो तो। उसके बाद मैंने इनसाइड का डियो स्टिक लिया, जिसमें एक साइड कॉन्टोर था, एक साइड हाइलाइटर। तो मैं यहाँ पे कॉन्टोर से पहले अपने फेस को चिजल लुक देने के लिए कॉन्टोर कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा इसमें शेड में आप लोगों को बता देती हूँ। इनसाइड का ये जो डियो है शेड, ये है कैरेमल। उसके बाद मैं एक लोकल बेस्ड स्टील पैरिस का ही मैंने लिपस्टिक लेकर के उसे ब्लश लगाया है, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा पिंकिश नहीं चाहिए था, फेस थोड़ा सा लाली लाल टाइप था, तो उसी में मैंने किया है। उसके बाद मैंने वही डियो स्टिक से हाइलाइटर लिया है। हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है। ये इंडियन स्किन टोन के लिए बेस्ट है। आई गेस हमारी तरह दस की स्किन टोन या मीडियम स्किन टोन के लिए तो सुपर भी गॉर्जियस है। उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का एलिगेंस का कॉम्पैक्ट लिया है, उससे फेस को सेट करी, जो कि बेस मेरा जो भी हुआ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने स्पूली से आईब्रोज को सेट किया। उसके बाद मैंने एक ADS का पेंसिल लिया है, और उससे आईब्रोज को फिल कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, मुझे ज़्यादा डार्क टोन नहीं पसंद है, इसलिए मैं लाइट ही रखती हूँ, बट हाँ थोड़ा सा फिल इन करती हूँ ताकि गैप ना लगे। तो आई मेकअप में सिंपल सबसे पहले मैं बेज शेड ले रही हूँ, ताकि मेरा जो आई बॉल है ना, वो थोड़ा सा हाईलाइटेड लगे, दबा दबा सा ना रखे, खुला हुआ एकदम बड़ा सा आँख लगे, ताकि जो आई मेकअप करूँ ना, तो वो बहुत अच्छे से खिल के आए। उसके बाद मैंने एक लाइट रेड शेड लिया है, उसे अच्छे से ब्लेंड किया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क पिंक टोन पे मिक्स कर रही हूँ, ताकि वो पूरे अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद मैं शिमर ले रही हूँ, उसके बाद ग्लिटर ले रही हूँ रेड टोन पे। देखो, पिंक मिक्स किया है ना थोड़ा सा पिंक रेडिश टोन में, तो उसके ऊपर मैंने पहले रेड ग्लिटर लगाया, उसके बाद गोल्डन ग्लिटर लगाया है। अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, और उसे इनर कॉर्नर से हाईलाइट किया है, तो ये बहुत ही अच्छा शेड लग रहा है। उसके बाद मैंने लोअर लेफ्ट लाइन में थोड़ा सा रेड टोन को, रेड शेड को ब्लेंड किया है। उसके बाद मैं आईलाइनर लगा रही हूँ यहाँ पे, और ये आईलाइनर आई के शहनाज हुसैन का है। और उसके बाद मैं जो डस्ट जो था उसे हटाया है। और उसके बाद मैंने एक वाइट पेंसिल लिया, ये भी ADS का है, आई गेस 10 रुपीज़ में मिल जाता है। उसके बाद मैंने मार्स का मस्कारा लिया है, उससे मैंने मार्स का मस्कारा नहीं, ये ट्रायन मस्कारा है, जो कि न्यू मैंने खरीदा है, बहुत अच्छा है, बजट फ्रेंडली है। उसके बाद मैं कॉन्ट्रोल कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन से। ब्लश एंड कॉन्ट्रोल दोनों मेकअप रेवोल्यूशन का है, क्योंकि ये 4-in-1 किट है। मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि ये पूरा किट कैसे काम करता है, कैसा शेड है और क्या क्या है इसमें। ये 4-in-1 है, अभी के लिए इतना बता देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे M&M का हाइलाइटर लिया है,
पैलेट और उससे मैं अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ, बहुत अच्छे से हाईलाइटिंग कर रही हूँ। आई स्कैनर कॉर्नर में फेस पे, चीक्स पे, नोज पे, क्यूपिड बो पे और चिन पे, ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। इसमें कलर शेड भी बहुत अच्छा, इसके बाद मैं एडीएस का फिक्सर लगा रही हूँ और उसके बाद मैं ट्राइन लिप लाइनर से लिप लाइन कर रही हूँ पहले, और उसके बाद मैं फिल इन करूँगी लिपस्टिक, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि स्टील पैलेस का मैंने लिपस्टिक लिया है और इसी में लिपस्टिक के साथ ही ग्लॉस भी है, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ना ज़्यादा लाउड रेड है, ना ज़्यादा लाइट रेड है, बहुत ही मतलब मिक्स कलर होकर के बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ और ये छोटी सी बिंदी, क्योंकि इसमें मैरून तो अच्छा लगेगा ही, बट मैं थोड़ा सा अलग करना चाहती थी, इसलिए ये अभी का परफेक्ट है वेडिंग लुक के लिए। अगर आप वेडिंग में अगर सिंपल, सोबर और एलिगेंट लगना चाहते हैं, बट आप भीड़ में से थोड़ा अलग लगना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। ये मैं आपको क्लोजली भी दिखा रही हूँ, बिना लाइट का था, लाइट कम था, और ये फ्रंट से जब आपके फेस पे पूरा लाइट आता तो कैसा लगता है, ये मैं आपको पूरा क्लोजली दिखा रही हूँ। दोनों में आप देख लो कैसा लगता है कि कम लाइट में भी और ज़्यादा लाइट में जब फेस में लगता तो भी। अगर ये मेकअप लुक आपको पसंद आता है और आप सीखते हो या ट्राई करते हो अपने पे, और अगर ट्राई करके आप कहीं बाहर जाते हो आपको अच्छा लगता, कॉम्प्लीमेंट मिलता, तो प्लीज़ मुझे आके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आएगा, मेकअप लुक पसंद आएगा, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो मैं आपको क्लोजली दिखा रही हूँ एक कम लाइट में कि नेचुरल लाइट में, जो आपका रूम भर में लाइट है तो उसमें कैसा लगता है, और अगर आप पार्टी में जाते हो तो एकदम क्लोजर लाइट जो देता है ना, फेस टू फेस पे मारता है, वो उसमें आपका फेस कैसा लगता है। ये जो क्लोजर आता है ना फोटो वगैरह कैमरा में, वो बहुत अच्छा आता है। तो आप ये दोनों चीज़ देख लो कि आप अपने रूम में तक में रहोगे या आप अपने फैमिली में रहोगे तो मेकअप कैसा लगेगा, बाहर जाओगे लाइट में ढेर सारे कैमरा लाइट्स रहेंगे तो फेस कैसा लगेगा। दोनों में ये लुक बहुत खूबसूरत लगेगा और आपको नेचुरल लगेगा, कुछ ज़्यादा हार्श नहीं लगेगा, कुछ ज़्यादा बेकार नहीं लगेगा। पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।